हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले फेस स्मूथ के बारे में। क्योंकि होता है कि फोटो हम लोग खींच लेते हैं, अच्छा से एडिट भी करते हैं, लेकिन होता है ना फेस में पिंपल दाग वगैरह रह जाते हैं, तो इसमें हम लोग को फोटो देखने में अच्छा नहीं लगता है, अट्रेक्टिव नहीं लगता है। तो आज हम एक ऐप के बारे में बताने वाला जिसका नाम है स्केच बुक। स्केच बुक में कैसे फेस को स्मूथ करते हैं वो हम आज से ए टू जेड पूरा सिखाएंगे, क्योंकि हम खुद के प्रैक्टिकल किए हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर दबा दें। अब ले चलते हैं आपको स्केच बुक में। पहले फ़ोटो ले लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे जाएंगे, फिर गैलरी में जाएंगे। हमको ये फ़ोटो टू एडिट करना है, स्मूथ करना है फेस टू। देख रहे हैं पिंपल सब दिख रहा है, इसको हमको एडिट करना है। यहाँ पे ले चलते हैं शेयर में, स्केच बुक में जाएंगे। यहाँ पे पहले फ़ोटो इसको काट देंगे, सेटिंग में जाना है इसको हमको। लाइब्रेरी में जाके ये वाला पेंसिल या कुछ भी, हाँ ये वाला बेटर होगा। इसके बाद हम इसको साइड टू घटा बढ़ा लेंगे, बस फेस के हिसाब से इतना हम इसको इतना कर देते हैं, डन। उसके बाद हम आराम से धीरे 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 करके कर सकते हैं, ऐसे करके। आप जल्दी कीजिए, मत कीजिएगा, आराम से कीजिएगा, हम थोड़ा जल्दी कर ले रहे हैं। एक मिनट, तब तक वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बने रहिए वीडियो में, आपको दिखाते हैं कैसे कर रहे हैं। इतना करके इतना ऐसे करके आराम से फेस के हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हैं, ऐसे करके बढ़ा लीजिएगा, जूम करके ऐसे करते रहिए। यहाँ पे घटा लेना चाहिए इसको, ऐसे करके थोड़ा लंबा होगा लेकिन बट आप पूरा तरह सीख जाएंगे। अच्छा से देखिए, बस स्किप मत कीजिएगा, बस ऐसे करके फिर से इसको बढ़ा लेना चाहिए इधर, ये वाला पार्ट करने के लिए एक बार में हो जाएगा। इसको हमको नहीं रखना है, हटा देना है, तो इसको ऐसे करके हटा देते हैं इधर। इसको भी ऐसे करके कर देंगे हम लोग, आराम से कीजिएगा, फोटो बेहतरीन होगा। क्योंकि फ़ोटो में होता है ना, अगर फेस ही क्लियर नहीं देगा चाहे कितना अच्छा कपड़ा पहन लेते, बट फेस अगर अच्छा नहीं होगा तो फोटो देखने में मतलब अट्रैक्टिव नहीं लगता है। बट वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा सिखा देंगे कैसे कर रहे हैं। इसको यहाँ से थोड़ा इसको घटा लेना साइड फेस के हिसाब से, उसके बाद इसको भी पूरा भर देना है ऐसे करके। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए हम थोड़ा जल्दी फास्ट कर दे रहे हैं, लेकिन आप लोग जल्दी जल्दी मत कीजिएगा, अच्छा से कीजिएगा, ठीक। अब कर दें तो इसको साइज बढ़ा लेते हैं, इसको एक ही बार में पूरा कर देंगे। अब इसको थोड़ा घटा देते हैं, ज़्यादा दिख रहा है इसमें। हाथ को भी हटा, हाथ अब वैसे भी ठीक है, बट उसके बाद जाके यहाँ पे शेयर कर लेना है, फेस को थोड़ा लाइट कर देना है। यहाँ जाके जाना है हम लोग को लाइट रूम, लाइट रूम में जाना है, इस यहाँ से काट के लाइट रूम इधर इसको हटा के हम लोग जो फ़ोटो स्मूथ की इसको लेना है, इसको इसका थोड़ा बैकग्राउंड अट्रैक्टिव कर दे, देखने में अच्छा लगे। कलर में जाएंगे, मिक्स में ग्रीन कलर को लेके इधर कर देंगे, इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, हाँ इसको ठीक है। इस फेस के हिसाब से आप कीजिएगा सर, ठीक है, इतना बेटर है। इसके बाद इसको पूरा बढ़ा देना है, अच्छा नहीं लग रहा देखने में अब, ठीक है।
टी शर्ट का कलर थोड़ा चेंज करेंगे, शर्ट का इतना कर देते हैं, डन। इसके बाद लाइट में जाएंगे, हाईलाइट घटाएंगे थोड़ा, शेडो बढ़ा देंगे, वाइट बढ़ा देंगे, घटा देंगे थोड़ा, ब्लैक घटाएंगे, इतना बेटर है। इसके बाद थोड़ा लाइटिंग बेस्ट। अब थोड़ा विग्नेट डाल देते हैं। अब इसको सेव कर देते फोटो। अब देखिए बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। तो वीडियो देख के आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर देना। चलिए अगले वीडियो पे मिलते हैं।